बिल्कुल वो हमारे सॉरी साथ कांग्रेस जी को। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार गीत दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं। गीत जी, सबसे पहले तो डीएनएन में आपका बहुत स्वागत है। विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर लगातार सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है और अब ऐसे में बीजेपी ने भी संकेत दे दिए हैं कि वो उपाध्यक्ष पद विपक्ष को नहीं देगी। तौर पर लेकिन जिस तरह से पार्टी संगठन और सत्ता की जो रणनीति है उसके तहत जो अभी मैं महन जी को सुन रहा था, तो महन जी की बात से ये बात ठीक है कि चूंकि कांग्रेस ने परंपरा शुरू करी थी और कांग्रेस ने ही इस परंपरा को मतलब एक तरह से तैयार किया है, तो भाजपा भी रणनीति के तहत ये मानकर चल रही है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद वो अपने खेमे में रखे। इसके पीछे एक सबसे बड़ी इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो अन्य समर्थन दलों ने जो समर्थन दिया है कहीं ना कहीं उनको भी अगर मंत्रिमंडल में नहीं ले पाएंगे या कहीं उनको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो उनको भी एक स्थान दिया जा सकता है, एक बात है। दूसरी बात, सिंधिया समर्थकों को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की तो बात आ रही है ऋतु, तो उस लिहाज से ये रणनीति का एक हिस्सा है। क्योंकि ये बात जरूर है कि भाजपा के सत्ता का कुनबा बड़ा हो गया है, तो उस कुनबे को संभालने के लिए भाजपा इस रणनीति पर काम कर रही है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अगर उनके पास रहता है तो ये उनके लिए ज्यादा मुफीद होगा, ज्यादा आसान होगा संभालने के लिए। ऋतु जी, सर आप ये भी तो देखा जा सकता है कि जब कांग्रेस पावर में थी तब इनको नहीं दिया, अब ये पावर में है तो क्यों देंगे? उन्होंने एक परंपरा शुरू की थी तो ये परंपरा अब उसका जवाब देंगे, ऐसा ही जवाब जैसा कि उन्होंने शरद कौल और नारायण त्रिपाठी को बिठा के एक मैसेज देने की कोशिश की थी, तो जवाब कितना गहरा मिला कांग्रेस को, ये उस बात का सबूत है कि भाजपा जो है ठंडा करके खाती है, तो अब भाजपा का समय है। सर मैं इसलिए महन जी आपकी बात से इसलिए सहमत हूँ क्योंकि ये जो रणनीति का एक हिस्सा है ये बताता है कि भाजपा अब नहीं चूकेगी, क्योंकि उस समय कांग्रेस की जब सरकार थी और विधानसभा में अगर आपको स्मरण हो तो जगदीश देवड़ा और जो है विजय शाह इसके दावेदार थे, उनको वहां स्थान नहीं मिल पाया था तो उन्हें एनपी प्रजापति को अध्यक्ष और हिना कांवरे को उपाध्यक्ष बनाकर एक तरह से जातिगत बैलेंस बनाया था कांग्रेस। तो क्या अभी भी भाजपा जातिगत बैलेंस बनाएगी? सर देखिए, रणनीति यही कहती है, क्योंकि सत्ता का जब नियंत्रण होता है, सत्ता को जब स्थायी रखना होता है और सत्ता में कोई किसी तरह की कलह ना हो तो स्वाभाविक तौर से माना जाता है महेंद्र जी कि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को और रणनीति को साधा जाए, और इसी साधने के गणित में मुझे लगता है कि भाजपा के आला नेता लगे हुए हैं और वो उपाध्यक्ष का पद अपने पास रखेंगे। महेंद्र जी जी बिल्कुल, फिलहाल गिजरी आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की जो सियासत है लगातार यहाँ गर्माती जा रही है, कोई ना कोई मुद्दा होता है जिसके चलते यहाँ पर सियासत गर्माती हुई नजर आती है और आगे क्या कुछ होता है वो भी देखने वाली बात होगी।